हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह मैं बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आ गई हूँ आपके मेन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों, मैं प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट करती हूँ। ये सातवां वीडियो है एंड दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी कंटेंट अवेलेबल है। चाहे थ्योरी सेशन देखना, चाहे एमसीक्यू प्रैक्टिस, चाहे वन लाइनर क्वेश्चन, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीज चेकआउट कीजिए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एमपी मेन एग्जाम जो एमपी टेट आपने दिया है, रिजल्ट आने के बाद मेन एग्जाम वर्ग टू वर्ग थ्री का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे। जैसा कि जल्द ही उसको फॉर्म आने वाला है और जल्द ही एग्जाम भी होगा एंड EMRS यानी एकलव्य मॉडल स्कूल का फॉर्म अप्लाई हो रहा है और UPTGT का भी एग्जाम जल्द से जल्द होगा, तो ऐसे परिस्थितियों में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा। तो दोस्तों, मैं डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ बेस्ट क्वेश्चनों का और क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जैसा कि आप MPTET में देखे होंगे, मेरे वीडियो के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप भी अपना स्कोर चेक कीजिए एंड जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है कि राजकुमारी अमृत कौर का संबंध किस खेल से रहा है। तो दोस्तों, इनका संबंध टेनिस खेल से रहा है। ये भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी और इन्होंने राजकुमारी अमृत कौर इस कोचिंग स्कीम की शुरुआत 1953 में किया। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए फुटबॉल की राष्ट्रीय ट्रॉफी का क्या नाम है। तो महिलाओं के लिए फुटबॉल का राष्ट्रीय ट्रॉफी का नाम है बेगम हजरत महल ट्रॉफी। नेक्स्ट है दोस्तों, पर हेनरिक लिंग का संबंध किस देश से है। सारी शिक्षा के इतिहास आपने देखा होगा तो आपको जरूर याद होगा इनका संबंध है स्वीडन से। पर हेनरिक लिंग जो है स्वीडन में व्यायाम को क्रमबद्ध तरीके से आरंभ करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। दोस्तों, इन्होंने जिम्नास्टिक को चार भागों में बांटा था, शैक्षिक जिम्नास्टिक, सैनिक जिम्नास्टिक, स्वास्थ्यवर्धक जिम्नास्टिक एंड कलात्मक जिम्नास्टिक। इन्होंने पुस्तक लिखी थी जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक एंड दोस्तों, इसके बाद इनके पुत्र हुए जालवर लिंग, यानी कि पर हेनरिक लिंग के पुत्र हुए जानवर लिंग और इन्हीं के पिता जानवर लिंग के पिता पर हेनरिक लिंग के लिए प्रथम लिंग यार्ड मनाया गया 1939 में स्टॉकहोम स्वीडन में। पर हेनरिक लिंग की वर्षगांठ मनाई गई जिसमें जिम्नास्टिक व्यायाम कराए की प्रदर्शनी हुई तथा शारीरिक शिक्षा पर विश्व सम्मेलन भी हुआ। उसके बाद द्वितीय लिंगयार्ड 1949 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ जिसमें भारतीय व्यायाम दल के रूप में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र ने सारी गतिविधियों का सुंदर प्रदर्शन किया। तो क्वेश्चन आता है कि अमरावती महाराष्ट्र में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने किस लिंगयार्ड में अपना प्रदर्शन किया था। तो 1949 द्वितीय लिंगयार्ड में। नेक्स्ट है, हार्वर्ड स्टेट टेस्ट किसने बनाया था। तो आप सबको पता है इसको बनाया था 1943 में ल्यूसी ने ब्रुहा ने कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है, कंप्लीट फूड किसे कहा जाता है। जैसे कि आप हमेशा से पढ़ते आए हैं कंप्लीट फूड या संपूर्ण आहार बोला जाता है दूध को। इसमें सभी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी चीजें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है NSS नेशनल सर्विस स्कीम की शुरुआत किसके जन्म उपलक्ष्य में की गई थी। तो महात्मा गांधी के जन्म उपलक्ष्य में 1969 में NSS की स्थापना हुआ। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है 0.762 मीटर। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे राइट होगा। दोस्तों, जैसा कि बाधा दौड़ जो होता है, प्रत्येक सभी में बाधाओं की संख्या 10 होती है। प्रत्येक बाधा की चौड़ाई 1.20
मीटर यानी कि 120 सेंटीमीटर होती है, 10 केजी का भार होता है। एंड जो दौड़ होता है पुरुषों के लिए 110 मीटर और महिलाओं के लिए 100 मीटर, एंड पुरुष महिला दोनों के लिए 400 मीटर। तो यहाँ पे 110 मीटर पुरुष के लिए बाधा की ऊंचाई जो है 1.67 मीटर, एंड 100 मीटर महिला के लिए 0.84 मीटर, एंड 400 मीटर पुरुष के लिए 0.914 मीटर, एंड 400 मीटर महिला के लिए 0.762 मीटर। पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, आप बाधा दौड़ वाले वीडियो को देख लीजिए कोई भी डाउट होगा तो। नेक्स्ट दोस्तों, स्टाफ बोर्ड का प्रयोग किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों स्टाफ बोर्ड जो है उसका प्रयोग किया जाता है शॉट पुट यानी कि गोला फेंक में। किसमें किया जाता है? शॉट पुट यानी कि गोला फेंक में स्टाफ बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गोला फेंक में गोले का जो वजन होता है 7.26 केजी होता है पुरुष के लिए, एंड महिला के लिए 4 केजी होता है। शॉट पुट एंड हैमर थ्रो दोनों में सेम भार होता है। नेक्स्ट है, पिचर नामक शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो पिचर नामक शब्द जो है वह बेसबॉल में प्रयोग किया जाता है। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट, शतरंज खेल का नाम किस देश में जो शुरुआत हुआ, जन्म हुआ किस देश में हुआ? तो शतरंज का जो शुरुआत है भारत देश में ही हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, फॉल्स रीफ्स कितनी होती है, यानी कि जो फॉल्स पसलियां होती हैं, पसलियां जो हमारे बीच में छाती पे वक्ष पे उरोस्थी मोटा हड्डी होता है जिसे उरोस्थी या स्टर्नम बोलते हैं, उसी में दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती है, यानी कि 12 जोड़ी, कुल 24 होती हैं तो जुड़ी रहती हैं। तो इन 12 जोड़ी पसलियों को 3 भागों में बांटा गया है, ट्रू रिप्स, फॉल्स रिप्स एंड फ्लोटिंग रिप्स। ट्रू रिप्स जो होती है वह 1 से 7 जो होती है, जो प्रत्येक अलग अलग उरोस्थी से जुड़ी रहती है। जो फॉल्स रिप होती है वह 8वीं, 9वीं, 10वीं होती है, जो उरोस्थी से जुड़ने से पूर्व आपस में एक होकर के जुड़ती हैं एक ही स्थान पर। एंड 11वीं, 12वीं जो पसली होती है वह स्वतंत्र होती है और किसी से जुड़ी नहीं रहती, इसीलिए उसको फ्लोटिंग रिप्स या तैरने वाली पसलियाँ कहती हैं 11वीं, 12वीं को। तो ट्रू फॉल्स रिप्स जो है 8वीं, 9वीं, 10वीं यानी कि 3 पेयर में होती हैं फॉल्स रिप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ख 3 पेयर्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मध्य कान की 3 अस्थियों में से सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? तो दोस्तों कान में 3 अस्थियाँ पाई जाती हैं, मैलिस, इनिकस एंड स्टेपस। जो सबसे बड़ी होती है मैलिस, एंड सबसे छोटी होती है स्टेपस, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी होती है स्टेपस कान की। नेक्स्ट दोस्तों, टेनिस के खेल में अंक पद्धति क्या होती है? तो टेनिस के खेल में अंक पद्धति होती है 15-30-40। क्या होता है 15-30-40, यानी कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे 0 अंक को लव, 1 अंक को 15, 2 को 30 और 3 को 40, एंड जबकि चौथे अंक के जीतने पर खिलाड़ी एक गेम जीत जाता है। गेंद को नेट में मारता है, गेंद को इस प्रकार मारता है कि वह बिना प्रतिद्वंदी के पाले में बाउंस किए मैदान से बाहर चली जाए। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष सबसे आखिरी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी आयोजित की जाती है? तो दोस्तों यूएस ओपन सबसे आखिरी में किया जाता है। सबसे शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन किया जाता है जनवरी के मध्य माह में प्रतिवर्ष, एंड फ्रेंच ओपन किया जाता है मई जून में, एंड विंबलडन ओपन जून जुलाई में, और यूएस ओपन अगस्त सितंबर में किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, एंड फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, एंड विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। सबसे पुराना टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है विंबलडन टूर्नामेंट, जो 1877 से शुरुआत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीडिंग किस प्रकार का मसाज है?
तो दोस्तों नीडिंग जो है वह किस प्रकार का मसाज है, तो फ्रेशर मसाज है। जैसे कि दोस्तों मसाज जो है वह चार प्रकार के मसाज होते हैं, स्ट्रोकिंग, प्रेशर, परक्यूजन, सैकिंग। स्ट्रोकिंग मतलब सहलाना, प्रेशर मतलब दबाना, परक्यूजन मतलब थपथपाना, सैकिंग मतलब मिलाना या झकझोरना। तो इस सभी के प्रकार हैं, जैसे प्रेशर स्ट्रोकिंग जो है एफिलरेज एंड स्ट्रोकिंग दो प्रकार का होता है, एंड जो प्रेशर होता है वो नीडिंग, प्रैक्टिसाज एंड फ्रिक्शन। नीडिंग मतलब गूथना, प्रैक्टिसाज मतलब चिकोटना, घर्षण मतलब घर्षण करना। एंड परक्यूजन जो है चार प्रकार का होता है, थपथपाने की हस्त कौशल विधि, फिर हथेली के प्रयोग चार प्रकार से किया जाता है, हैकिंग, क्यूपिंग, बीटिंग, पाउडिंग। हैकिंग मतलब हथेली के से हल्का हल्का प्रहार किया जाता है, क्यूपिंग मतलब हथेली को प्याले के आकार देकर थपथपाया जाता है, बीटिंग मतलब मुक्का बनाकर, पाउंडिंग मतलब हथेली की छोटी उंगली से हथेली की गुलाकी अंगूठा छोटी उंगली से तबले बजाने जैसी क्रिया किया जाता है। एंड चौथा होता है सैकिंग यानी कि झकझोरना। इसमें दो प्रकार का होता है, वाइब्रेशन एंड सैकिंग। मसाज के बारे में पूरी जानकारी के लिए मसाज वाले वीडियो को देखिए, जिसमें मैं 60 में सभी चीजें कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट है नेड्रोलॉन क्या है। तो दोस्तों नेड्रोलॉन जो है वह एनाबोलिक स्टेरॉयड एजेंट्स है। क्या है? एनाबोलिक स्टेरॉयड एजेंट्स है। जैसा कि दोस्तों खेल की दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है एनाबोलिक स्टेरॉयड, यह पुरुष के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जैसा समझा जाता है। एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉयड को शॉर्ट में AAS बोला जाता है। AAS मतलब एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉयड। इसमें से एंड्रोजेनिक से तात्पर्य होता है पौरुष तत्व यानी कि मस्कुलिन जिंग, एंड एनाबोलिक से तात्पर्य होता है टिश्यू बिल्डिंग यानी कि उत्तकों का निर्माण। दोस्तों इसमें मांसपेशियों की सहन शक्ति में असीम वृद्धि हो जाती है, मांसपेशियों की ताकत और सहनशीलता में वृद्धि को सक्रिय उत्तेजित करती है और मानसिक रूप से अपने को मजबूत समझने लगता है खिलाड़ी। और अगर इसे महिलाएं प्रयोग करें तो पौरुष तत्व के गुण जैसे कि आवाज, भारी दाढ़ी, मूछ आदि आने लगते हैं। इसके अंतर्गत नेड्रोलोन, स्टेनोजोल, टेस्टोस्टेरोन, एंट्रेन बैलोन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, मेटिनोलोन, टेट्रा हाइड्रोजेस्ट्रिनोन, स्ट्राइनोन आदि आता है, जिसमें नेड्रोलोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन का रासायनिक रूप से सौतेला भाई समझा जाता है। एक साधारण व्यक्ति में नेड्रोलोन की मात्रा 0.6 नैनोग्राम प्रति एमएल होता है। एंड IOC ने इसको प्रतिबंधित करने के लिए नेड्रोलॉन को इसकी मात्रा पुरुष के लिए 2 नैनोग्राम प्रति एमएल एंड महिला के लिए 5 नैनोग्राम प्रति एमएल रखा है। नेक्स्ट है दोस्तों UEFA कप का संबंध किस देशों से है, तो यूरोप से है और यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, तो शतरंज के विश्व विख्यात खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को मिला पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जैसा कि दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, अब इसका नाम बदल करके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत 1991 में हुआ और इस समय इसे इनाम के रूप में 25 लाख राशि दिया जाता है। और 2022 में इसको मात्र एक व्यक्ति को मिला है, अचंत शरत कमल को, जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने टेनिस में मेन सिंगल्स एंड मिक्स्ड में मेन टीम में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और मेन्स डबल्स में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवाद यानी कि एक्सपेरिमेंटलिज्म का जनक किसे कहा जाता है,
तो इसको व्यवहारवाद, एक्सपेरिमेंटलिज्म या प्रयोगवाद भी कहा जाता है। इसके जनक है जॉन डीवी। तो आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म के जनक हैं प्लेटो एंड यथार्थवाद के जनक हैं अरस्तु एंड प्रकृतिवाद के जनक हैं रूसो। ये सभी आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला सारे शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय किस शहर में खोला गया? तो वह YMCA मद्रास में खोला गया। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना मद्रास तमिलनाडु में, चेन्नई मद्रास में हुआ, ठीक है। और इसको स्थापित किया भारत में हेनरी क्रूबक ने, और जिन्हें भारत में साइंस शिक्षा का पितामह कहा जाता है, और 1920 में इसकी स्थापना इन्होंने किया। नेक्स्ट है, हॉकी के खेल में टाई होने के पश्चात दोनों टीमों को 5-5 पेनाल्टी स्ट्रोक मिलते हैं, तो इसके पश्चात भी टाई रह जाए तो निर्णय किस आधार पर होगा? तो इसके बाद निर्णय जो है सडन डेथ के प्रक्रिया के अनुसार होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, शेफील्ड क्लब का संबंध किस खेल से है? तो शेफील्ड क्लब का संबंध जो है वह फुटबॉल खेल से है। फुटबॉल खेल का क्लब है, और यह फुटबॉल का पहला क्लब है शेफील्ड फुटबॉल क्लब, जो 24 अक्टूबर 1857 में इंग्लैंड में मनाया गया। और भारत का पहला क्लब डलहौजी क्लब 1880 पश्चिम बंगाल में खोला गया। नेक्स्ट दोस्तों, डिवार्फिज्म नामक रोग किस हार्मोन की कमी से? डिवार्फिज्म और मैक्सिडिमा, तो डिवार्फिज्म जिसे हम बौनापन कहते हैं, यह हो जाता है सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन्स या इसको ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं, इसकी कमी से बौनापन बच्चों में और वयस्कों में मैक्सिडिमा हो जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी टू को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विटामिन डी टू को आर्गो कैल्सिफिराल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि विटामिन डी को एंटी रिकेटिक विटामिन, नेचुरल विटामिन, किडनी हार्मोन्स आदि नामों से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सिफिराल है। एंड इसमें D1, D2, D4, D3 कई नाम D5 आते हैं, बट इसमें प्रमुख रूप से D2 एंड D3 को माना जाता है। D2 को आर्गो कैल्सिफिराल, जिसकी कमी से टिटेनी या अस्थियों में ऐठन होता है, एंड D3 को कोले कैल्सिफिराल कहते हैं, जो सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त होता है D3, जिसे कारण कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग, सुखंडी अथवा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, एंड वयस्कों में ऑस्टियो मलेशिया यानी मृदुलास्थि अथवा मृदुल हो जाती है, और ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थियों में कैल्शियम प्रोटीन की कमी हो जाती है, और पतली द्रव्यमान में कम हो जाता है, जो बार बार टूटने वाली हो जाती हैं, एंड टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। सूर्य की सीधी किरणों से D3 कोले कैल्सिफिराल बनता है, जो इंसुलिन को विक्रियाशील बनाता है तथा मधुमेह बीमारी से यानी कि डायबिटीज से बचाता है। नेक्स्ट है, 9 मीटर सर्कल का संबंध किस खेल से है? तो हैंडबॉल से है। 16 गज सर्कल रहेगा तो वो हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल संधि में कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है? तो दोस्तों चल संधि को हम फाइबर्स, जैसे कि अचल संधि को फाइबर्स ज्वाइंट एंड अधचल को कार्टिलेजियस ज्वाइंट एंड चल संधि को साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं। तो यहाँ पे चल संधि पूछा है तो साइनोवियल ज्वाइंट होना चाहिए, बट यहाँ पे क्वेश्चन आपका थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ चल संधि नहीं अचल संधि होना चाहिए। तो अचल संधि अगर होगा तो कौन सी कार्टिलेज पाया जाएगा? तो फाइबर्स कार्टिलेज, ठीक है। तो संधि जो है, ज्वाइंट्स जो है, 3 प्रकार की होती हैं, अचल संधि, अधचल संधि और चल संधि। अचल संधि को फाइबर्स ज्वाइंट एंड साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट एंड इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं, एंड अधचल को सिंगली मूवेबल कार्टिलेजियस ज्वाइंट या एम्फियाथ्रोसिस ज्वाइंट कहते हैं, एंड चल संधि को फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट एंड डायथ्रोसिस ज्वाइंट कहते हैं। इसके बारे में मैंने तीनों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। खोपड़ी हमारा दांत का जोड़, खोपड़ी का जोड़, एंटीरियर सिविला ज्वाइंट, ये हमारा अचल संधि में आता है। चल संधि में रीढ़ की हड्डी का जोड़ एंड पसलियों का जोड़
ये आपका आता है अर्धचल में, एंड चल संधि में छह प्रकार की होती है जिसका मैंने बार बार जिक्र किया है, जैसे कि सेड ग्लाइडिंग ज्वाइंट, एक दूसरे पर हड्डियां सरकती है, कार्पस टार्सस ज्वाइंट इसका एग्जाम्पल है, बालन साकेट ज्वाइंट जिसे कंदुक खलिका संधि भी कहते हैं, जिसमें एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के कप के आकार के सिरे में फंसा रहता है, सभी दिशाओं में गति होती है, शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट इसके अंतर्गत आता है। तीसरा होता है चल संधि में हिंज ज्वाइंट जिसे कब्जा संधि कोर संधि कहते हैं, जो जिसमें एक कल में गति होती है एक ही दिशा में, जैसे दरवाजा एक तरफ घूमता है, इसके इसमें नी ज्वाइंट एल्बो ज्वाइंट एंड उंगलियों और जबड़ों का जोड़ आता है। चौथा होता है चल संधि में कॉन्डिलायर ज्वाइंट जो दो तल में गति होता है, इसके अंतर्गत रिस्ट ज्वाइंट यानी कलाई का जोड़ होता आता है। पांचवा होता है पीवर ज्वाइंट यानी धुराग्र संधि जो सिर्फ रोटेशन मूवमेंट होता है, यानी एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है, जैसे हमारे गर्दन की ज्वाइंट एंड रेडियस अल्ना ज्वाइंट। छठा होता है चल संधि के अंतर्गत सैडल ज्वाइंट जिसे परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि कहते हैं, यानी किसी भी दिशा व तल में गति होती है, जैसे कि हमारा जो अंगूठा होता है प्रत्येक अंगुली के सामने जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैक्रोइलियक ज्वाइंट किस प्रकार का जोड़ है, सैक्रोइलियक ज्वाइंट किस प्रकार का जोड़ है। तो दोस्तों सैक्रोइलियक ज्वाइंट जो होता है यह ज्वाइंट है कौन सा ज्वाइंट है यह सैक्रोइलियक ज्वाइंट, तो इसको हम प्यूबिक सिंफेथिस भी कहते हैं, और यह ज्वाइंट है सिगिटली मूवेबल ज्वाइंट यानी कि अर्धचल संधि, यानी थोड़ा थोड़ा गति होती है साइकोइलियक ज्वाइंट में, सिंपली मूवेबल ज्वाइंट होगा यह, क्योंकि इसको पीबिक सिंफेसिस में बोला जाता है। टेल बोन के पास का जोड़ कूल्हे का सबसे निचला हिस्सा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ज्वाइंट से क्वेश्चन आया हुआ था बहुत सारे। नेक्स्ट दोस्तों ओमेगा का संबंध किस पोषक तत्व से है, तो ओमेगा सिक्स एवं ओमेगा थ्री फैटी एसिड पाया जाता है जो वसा से संबंधित है, ठीक है, जैसे बादाम काजू एंड मूंगफली इस सब चीजों में ओमेगा फैटी एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है एसिक्स नामक कंपनी का संबंध किस देश से है, तो इसका संबंध है जापान से। नेक्स्ट है कि रोहिंगटन बैरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो यह संबंधित है क्रिकेट से। नेक्स्ट है दोस्तों मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है, तो मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होता, तो दोस्तों विटामिन सी जो है हमारे शरीर में इकट्ठा नहीं होता, उसको डेली बेसिस पे लेना होगा, यह पाचन क्रिया के बाद बाहर आ जाता है मूत्र के द्वारा, तो यह हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होता। नेक्स्ट है ऑस्टियोमलेशिया किसका रोग है, यह किसकी कमी से होता है, तो दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया जो है वह हड्डियों के संबंधित रोग है। ऑस्टियोमलेशिया जैसा कि हमने बताया कि ये हड्डियां मृदुल हो जाती हैं, पसलियां कूल्हे या जबड़े अधिक प्रभावित होते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है, डी थ्री की कमी से, जिसमें शरीर में विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ राइट होगा, विटामिन डी एंड कैल्शियम से। नेक्स्ट दोस्तों प्रियोडाइजेशन यानी कि अवधिकालीनता के अंतिम चरण क्या होता है, जैसे कि प्रियोडाइजेशन जो है अवधिकालीनता में तीन पीरियड होते हैं, फेज होते हैं, प्रिपेटरी पीरियड यानी तैयारी काल एंड कंपटीशन पीरियड एंड लास्ट पीरियड होता है ट्रांजिशनल पीरियड जिसे रिकवरी पीरियड भी कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कर राइट होगा, ट्रांजिशनल पीरियड फेज। नेक्स्ट है हैमर ह्यूमरस बोन का प्रॉक्सिमल पार्ट समीपस्थ भाग किस जोड़ से जुड़ा होता है, तो दोस्तों ह्यूमरस जोड़ जो है वह हमारे बांह की हड्डी है जो एक तरफ ऊपर की तरफ
शोल्डर ज्वाइंट से जुड़ा होता है एंड नीचे एल्बो ज्वाइंट कोहनी से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग राइट होगा, शोल्डर ज्वाइंट एंड एल्बो ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर फुटबॉल खिलाड़ी व कबड्डी खिलाड़ी के मध्य पैरों की ताकत के मध्य संबंध निकालना है तो कौन सी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों दोनों के बीच कोरिलेशन यानी सहसंबंध निकाला जाएगा। नेक्स्ट है ओथेल्मोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है, तो इसका संबंध आंख से है। नेक्स्ट है हैमर थ्रो को घुमाते समय कौन सा बल लगता है, तो दोस्तों सेंट्री घुमाते समय सेंट्रीपेटल बल लगता है। कौन सा बल लगता है, सेंट्रीपेटल बल लगता है। सेंट्रीपेटल यानी कि अभिसारी बल, यानी कि केंद्र की ओर बल लगता है जब हम घुमाते हैं, और जब घुमाने के बाद छोड़ते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल बल यानी कि अपसारी यानी बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ बल लगता है। तो ध्यान रखिएगा, घुमाते समय सेंट्रीपेटल यानी कि अभिसारी बल लगता है और छोड़ते समय अपसारी यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है केंद्र से बाहर की ओर। नेक्स्ट है हेलन डिकोई क्या है, तो दोस्तों हेलन डिकोई जो है वह प्राचीनकालीन ओलंपिक अधिकारियों का नाम होता है हेलन डिकोई। नेक्स्ट है ईवर ऑनवर्ड हमेशा आगे की ओर आदर्श वाक्य किस खेलों का मोटो है, तो दोस्तों यह है एशियाई खेलों का मोटो यानी कि उद्देश्य। यह क्वेश्चन UPTGD 2021 में आया हुआ था। नेक्स्ट है नेहरू युवा केंद्र का गठन कब किया गया, तो 1972 में नेहरू युवा केंद्र का गठन किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग केंद्र कहाँ स्थित है, तो आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग केंद्र जो है वह पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज की खुदाई का कार्य सबसे पहले किस देश ने किया था, तो सबसे पहले इसकी खुदाई का कार्य जर्मनी ने किया था। नेक्स्ट है मोलर की संख्या कितनी होती है, जैसे कि मनुष्य के दांत चार प्रकार के होते हैं, इंसीजर केनाइन प्रीमोलर एंड मोलर, तो ऊपरी की पंक्ति में 16 है, नीचे की पंक्ति में 16 है। ऊपरी की पंक्ति में 16 है आपका 4 2 4 6 ऐसे याद कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ चार चार इंसीजर पाए जाते हैं यानी कुल 8 हड्डियां इंसीजर, और केनाइन ऊपर नीचे दो दो पाए जाती हैं यानी कुल 4 हुआ। प्रीमोलर जो है ऊपर नीचे चार चार पाए जाते हैं 8 हुआ, अब मोलर जो है ऊपर नीचे 6 पाई जाती हैं यानी कि कुल 12 हड्डियां मोलर होंगी, 12 दांतें मोलर होंगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्लेरा किस अंग का भाग है, तो दोस्तों स्क्लेरा जो है आंख का भाग है, जो आंख में सफेद सफेद दिखाई देता है वो स्क्लेरा का, उसी को स्क्लेरा कहते हैं। नेक्स्ट है वॉलीबॉल का कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो वॉलीबॉल जो है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए किस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए एल्ब्यूमिन का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट है नी फ्लेक्शन में कौन सी मसल्स इसेंट्रिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो दोस्तों इसमें क्वाड्रिसेप्स मसल्स नी फ्लेक्शन इसेंट्रिक रूप से यानी कि यहाँ पे घुटने के फैलाव की बात कर रहा है, कंसेंट्रिक रहता तो इसके मोड़ने की बात होती, तो यहाँ प्रश्न को ध्यान में देखिए, मसल्स इसेंट्रिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी कि घुटना जो है वह फैलता है, तो यह होता है आपका क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो जांघ के ऊपर होता है, जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होता है वह 4 मसल से मिलकर बना होता है, रेक्टस फेमोरिस वास्टस लेटरलिस वास्टस इंटरमीडियलिस एंड वास्टस मीडियलिस, इन चारों से मिलकर क्वाड्रिसेप्स मसल्स
बनता है जो जांग को फैलाने और हिप को मोड़ने की काम आता है, एंड घुटने को मोड़ने के लिए बाइसेप्स फेमोरिस यानी कि हैमस्ट्रिंग मसल्स काम आता है। नेक्स्ट, प्रथम श्रेणी लीवर में यानी कि उत्तोलक में अगर अक्ष को एक्सिस को बल की तरफ यानी कि रेसिस्टेंस की तरफ लाया जाए तो यह किसके लिए उत्तरदायी, किसके लिए कार्य करेगा, तो गति के लिए यह कार्य करेगा। जैसे कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो है एक्सिस बीच में होता है रेसिस्टेंस एंड फोर्स के, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है एक्सिस और फोर्स के बीच में, एंड तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में फोर्स बीच में होता है रेसिस्टेंस और एक्सिस के बीच में। इसका मैंने सूत्र आपको बताया हुआ है एफ ए आर यानी कि 312, यानी कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में, द्वितीय में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में, और तृतीय में फोर्स यानी कि बल बीच में रहेगा। नेक्स्ट है, हार्ट प्रिंसिपल का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो यह शूटिंग यानी कि शूटिंग में किया जाता है, निशानेबाजी में। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ, सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह आप डेली बेसिस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सफलता के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।